प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। प्रयागराज की स्वयं सहायता समूह की महिलाएं दिवाली में चीन के उत्पादों का विकल्प तैयार कर रही हैं। इन उत्पादों ने विदेशी उत्पादक को पीछे छोड़ दिया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने लिखी नई भारत। दीपावली में कबाड़ से बने उत्पाद चीनी उत्पादों को देंगे मात। सस्ते और स्वदेशी उत्पादों का महिलाओं ने खड़ा किया बाजार। अनुपयोगी वस्तुओं से तैयार किए नए उत्पाद। ऑनलाइन भी बिकेंगे ये स्वदेशी उत्पाद। महिलाओं की मजबूत होगी आर्थिक स्थिति। प्रदेश में महिलाएं निरंतर स्वावलंबी बनने के साथ साथ स्वदेशी उत्पादों को बनाने के प्रयास में लगी हुई हैं। प्रयागराज जिले में स्वयं सहायता समूह से जुड़कर इन महिलाओं ने दीपावली के लिए स्वदेशी उत्पादों का ऐसा बाजार खड़ा कर दिया है जिससे दिवाली में स्थानीय बाजारों में बिकने वाले विदेशी उत्पाद पीछे छूट गए हैं। दरअसल प्रयागराज में दिवाली के बाजार में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने अपनी खास जगह बनाई है। शहर की नगरी सीमा में 150 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने अनुपयोगी वस्तुओं से दीपावली में बिकने वाले उत्पादों को तैयार किया है। प्रशासन इनके उत्पादों की बिक्री के लिए दिवाली मेले और शिल्प मेले के साथ फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म से भी संवाद बना रहा है। बता दें कि जिले में स्वयं सहायता समूह से जुड़कर इन महिलाओं ने दीपावली के लिए स्वदेशी उत्पादों का ऐसा बाजार खड़ा कर दिया है जिससे दीपावली में स्थानीय बाजारों में बिकने वाले विदेशी उत्पाद पीछे छूट गए हैं। इन महिलाओं की बनाई गई वस्तुएं देखते ही बनती हैं। इन महिलाओं ने दीपावली के बाजार में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराते हुए अनुपयोगी वस्तुओं जैसे कि कबाड़ से ऐसे कई उत्पाद बनाए हैं जो कि सस्ते और स्वदेशी भी हैं। ये उत्पाद दिवाली के स्थानीय बाजारों में बिकने वाले चीन के उत्पादों को टक्कर दे रहे हैं। इन महिलाओं ने दीपावली में पूजे जाने वाले लक्ष्मी गणेश के कपड़े, त्योहार में लगाए जाने वाली झूमर, दीपावली की लाइटें, घरों को सजाने के हस्तशिल्प के सामान और भाई दूज के तोहफे के लिए होममेड चॉकलेट और पूजा सामग्री तैयार की है। स्वयं सहायता समूह की इन महिलाओं द्वारा तैयार किया गया ये सामान दीपावली के बाजार में शामिल हो चुका है जिससे इनकी अच्छी आय हो रही है और इन उत्पादों को ऑनलाइन बेचने के लिए भी चर्चा चल रही है। तो वहीं डूडा परियोजना अधिकारी वर्तिका सिंह के मुताबिक स्वयं सहायता समूह से जुड़कर इन्होंने आत्मनिर्भरता की नई इबारत लिखी है। तो उधर स्वयं सहायता समूह से बन रहे उत्पादों को बाजार में जगह बनाने के लिए प्रशासन द्वारा शहर में दीपावली मेले और शिल्प मेले में इनके स्टॉल लगवाए जा रहे हैं। घर की चार दीवारी में रहने वाली इन गृहिणियों ने प्रशासन के साथ मिलकर अपने उत्पादों को फ्लिपकार्ट के माध्यम से भी बेचने का प्रयास किया है। फिलहाल महिलाओं के स्वावलंबी बनने का प्रयास हमारे देश को उन्नति की ओर अग्रसर कर रहा है। रिपोर्ट प्राइम टीवी। खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।